हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मेरा नाम निर्वैर सिंह है और आप सभी का स्वागत है फिर से वर्ल्ड टूर एंड लाइफ चैनल पे। तो दोस्तों, आज आपके लिए डिफरेंट टॉपिक और डिफरेंट वीडियो लेके आया हूँ। तो आपको आज मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपको पनामा का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक और बात आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ में बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज ऑफ मैं बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ और साथ ही साथ मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पनामा का वीजा हम जो इंडियंस हैं उनको कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। अगर आप यूके सिटीजन है या फिर यूएसए सिटीजन है या फिर ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है या फिर यूरोपियन सिटीजन है या फिर शेंगेन स्टेट से हैं, वहाँ का अगर आपके पास वीज़ा है या फिर आप वहाँ के रहने वाले हैं, ग्रीन कार्ड है आपके पास, तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। कहाँ से? पनामा एयरपोर्ट पे आपको वहाँ से वीज़ा मिल जाएगा, वीज़ा ऑन अराइवल। और उसकी फीस है वहाँ पे जो वो $35 फीस है वहाँ पे। तो आपको ये वाला जो वीज़ा है वो ट्रांसिट वीज़ा नहीं होगा, वो वीज़ा आपको एयरपोर्ट से मिलेगा, वीज़ा ऑन अराइवल। किनके लिए? यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन एंड शेंगेन स्टेट वाले हैं, जो जिनके पास इस जो कंट्री है, ये वाली कंट्री, इनके वीज़ा अभी तक हैं, उनके पास वैलिड वीज़ा है, या फिर उनके पास ग्रीन कार्ड है, ग्रीन कार्ड होल्डर हैं वो लोग, या फिर इन कंट्रियों के उनके पास पासपोर्ट है, तो उनको ये वीज़ा वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। बट इसके लिए उनको भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वहाँ पे जाने के लिए, ठीक है। तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या चाहिए वहाँ पे जाने के लिए? आपको क्या क्या चाहिए? आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करना है विद ब्लॉक लेटर के साथ, विदाउट एनी स्क्रैच, वाइट लिक्विड एक्स्ट्रा। आपको स्क्रैच नहीं होने चाहिए। जो भी आप एप्लीकेशंस, वीज़ा एप्लीकेशंस की जो एप्लीकेशन को फिल करेंगे उसके ऊपर, और साथ ही साथ उसके ऊपर कोई वाइटनर नहीं आपने लगाना, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे से उसको फिलअप करना है आपने। और उसके बाद 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट चाहिए, और साथ ही साथ 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट है तो उसके जो आपका पासपोर्ट है कम से कम मिनिमम उसके जो पेपर्स हैं, जो पेज हैं, कम से कम 2 पेज उसके होने चाहिए फॉर वीज़ा स्टैम्प के लिए। और साथ ही साथ आपको 3 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए विद क्लियर बैकग्राउंड के साथ, वाइट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। फोटो कॉपी ऑफ द पासपोर्ट अलोंग विद वीज़ास ऑब्टेन। अगर जो आपके पास वीज़ा है कहाँ का, अगर आपके पास यूएसए का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, यूरोप का या फिर शेंगेन का आपके पास वीज़ा है वहाँ की कंट्रियों का, तो आपको उस वीज़ा को, जो वैलिड वीज़ा आपका, उस वीज़ा को आपने फोटोकॉपी करना है दोस्तों। फोटोकॉपी करने के बाद आपको अपने पासपोर्ट के साथ उसको रख लेना है, और साथ ही साथ आपको दिखाना पड़ेगा कि आप वहाँ पे जो पनामा में जा रहे हो क्यों जा रहे हो। मीन्स अगर आप कंपनी के थ्रू जा रहे हो, वहाँ पे किसी कंपनी ने आपको स्पॉन्सर किया है, तो उस कंपनी का जो लेटर हेड होगा, कंपनी का इनविटेशन कार्ड होगा, इनविटेशन लेटर होगा, वो आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पे, और साथ ही साथ क्यों बुलाया है उन्होंने, वो उसका रीज़न आपको वहाँ पे देना होगा। तो अभी क्या चाहिए आपको? अगर आपके पास, अगर आप कंपनी ने नहीं बुलाया किसी ने, अगर आप ओनली फॉर वहाँ पे घूमने ही जाने चाहते हैं, वहाँ पे घूमना ही जाना चाहते हैं, तो आपको बस कुछ नहीं चाहिए वहाँ पे। इन टेरिटरी चाहिए आपको शोइंग एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम पनामा। उसके एंट्री में क्या होता है कि आपको अपनी जो प्लान्स होते हैं वहाँ पे पनामा में, कितने दिन वहाँ पे स्टे करेंगे, कितने दिन आप वहाँ पे रहेंगे, और पर डे के हिसाब से आपका प्लान कौन सा रहेगा, कहाँ कहाँ जाके आप विजिट करेंगे वहाँ पे, कौन कौन सी जगह पे आप जाके विजिट करेंगे, तो वो दिखाना पड़ता है जिस दिन से आप एंट्री करेंगे, और एग्जिट दिन से आपको वो टेरिटरी जो होती है वो दिखानी पड़ती है। और साथ ही साथ जिस होटल में जाके आप वहाँ पे रहेंगे उसका कन्फर्मेशन जो वाउचर होता है वो आपको शो कराना पड़ेगा, और उसके साथ आपको जो प्रूफ ऑफ सफिशेंट फंड फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन पनामा। तो इन सब चीज़ों को आपने अपने साथ लेना है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा उनकी, जिनके पास
ओनली इंडियन पासपोर्ट है और साथ ही साथ उनके पास कोई भी वीजा नहीं है रिलेटेड टू यूएसए, यूके, कनाडा, यूरोपियन और शेंगेन वीजा उनके पास नहीं है। वो जस्ट पनामा जाके घूमना चाहते हैं डायरेक्ट टू इंडिया से पनामा। तो उनको क्या क्या चाहिए मैं अभी मैं आपको बता देता हूँ। उनको जस्ट कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, अपना पासपोर्ट आपको लेना है और साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप करना है विद ब्लॉक लेटर के साथ विदाउट एनी स्क्रैच वाइट एंड लुकिड। आपको जब आप वहाँ पे जो वीजा एप्लीकेशन है उसको फिलअप करेंगे, जब फिलअप करेंगे उसके ऊपर कुछ भी आपने स्क्रैच नहीं करना, साथ ही साथ आपने वाइटनर भी नहीं आपने यूज करना, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म उसके ऊपर सारी डिटेल आपने लिखनी है, जो भी आपके फैमिली बैकग्राउंड जो भी उसके ऊपर आपको फिलअप करने के लिए बोला होगा। तो एप्लीकेशन जो जब आप देंगे उसके साथ आपको अपना 6 मंथ का वैलिड पासपोर्ट देना होगा, साथ ही साथ 2 जो पेज होते हैं आपके पासपोर्ट के वो भी आपको जो ब्लैंक पेज होते हैं कम से कम होने चाहिए फॉर अ वीजा स्टैम्प के लिए। तो आपको 3 फोटोग्राफ देने पड़ेंगे विद क्लियर वाइट बैकग्राउंड के साथ, और साथ ही साथ आपको क्या देना पड़ेगा वहां पे फोटोकॉपी अगर आपके पास है कहाँ की वीजा होल्डर और क्या कहते हैं आपके पास यूके का या फिर वहां का है तो आप दे सकते हैं वहां पे। तो और साथ ही साथ आपको क्या चाहिए वहां पे जिस कंपनी ने अगर आपको स्पॉन्सर किया है या फिर आप खुद ही जाना चाहते हैं वहां पे, अगर आपको किसी कंपनी ने स्पॉन्सर किया उस कंपनी का लेटर हेड जो उन्होंने बुलाया जो ऑफर होगा वो आपको दिखाना पड़ेगा वहां पे, इनविटेशन उस कंपनी का दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको नहीं बुलाया तो आप जस्ट अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट दीजिए वहां पे, फोटो आईडी आपको देना पड़ेगा, साथ ही साथ में आपको स्कैन कॉपी ऑफ बैंक जो बैंक से आपने एक लेटर लिखना है कि आपका अकाउंट है और आपका बैलेंस इतना अमाउंट है आपका हमारे बैंक के अंदर, और साथ ही साथ बैंक सर्टिफिकेट चाहिए लास्ट 3 मंथ बैलेंस के साथ, आपका कम से कम 3 मंथ का जो सर्टिफिकेट जिसको हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं, और सर्टिफिकेट भी आप वहां से बनवा सकते हैं बैंक मैनेजर से, और इनकम टैक्स जो है आपका डिक्लेरेशन होना चाहिए 1 ईयर का मैक्सिमम आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप काम करते हैं कहीं पे तो आपको सैलरी स्लिप दिखानी पड़ेगी लास्ट 3 मंथ की कहां पे जब आप वीजा अप्लाई करेंगे। और अगर आप किसी इंडिया में कहीं पे काम करते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं सैलरी स्लिप के साथ साथ अपना जो जहाँ पे काम करते हैं वहाँ का आप अपने डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं कि मैं जहाँ पे काम करता हूँ इस कंपनी का नाम है और मेरी सैलरी इतनी है और मेरे क्या कहते हैं अपना सैलरी पे इतनी है, तो ये सब चीज़ें आप दिखा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको क्या लगेगा वहाँ पे पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइवर लाइसेंस आपको वहाँ पे शॉप करने पड़ेगा, और इन सब आईडी के वहाँ पे आपको फोटो कॉपी करके आपको देना पड़ेगा। अगर दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे मेल कर देना, और साथ ही साथ वीडियो कमेंट के अंदर आप मुझे लिखकर बताना। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके पास ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आ जाते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, इन डॉक्यूमेंट को आपने कहाँ पे जाके जमा कराना है अपना कंसल्टेट ऑफ पनामा इन न्यू दिल्ली के अंदर जो एम्बेसी है वहाँ पे जाके आपने इनको सबमिट करवाना है। जब आप सबमिट करवाएंगे जो वीज़ा प्रोसेसिंग फीस है वो 6,000 है, और साथ ही साथ जो वीज़ा की जो फीस है वो आपका 2,500 रुपीस है दोस्तों। तो अगर आप वहाँ पे जब आप अपनी फीस और अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा लेते हैं और साथ उसके बाद अगर एम्बेसी आपको कॉल करती है डिपेंड ऑन अ केस, अगर कुछ मिसअप रह जाता है या फिर उनको एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछने होते हैं तो आपको कॉल कर सकती है, अदरवाइज नहीं करेगी वो, विद इन 4 to 5 days के अंदर आपका वीज़ा आपके वो आपको कॉल करके बता देंगे कि सर आपका वीज़ा आ चुका है तो आप अपना वीज़ा ले लीजिए। तो दोस्तों ये था पनामा का वीज़ा का प्रोसेसिंग, और साथ ही साथ मैं अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एम्बेसी ऑफ पनामा का एड्रेस भी दे दूंगा जो दिल्ली के अंदर है, और साथ ही साथ जो बम्बई के अंदर है उसका भी मैं एड्रेस दे दूंगा और वहाँ का नंबर भी दे दूंगा आपको, और उनका जो वर्किंग आवर जो टाइम है कितने टाइम तक वो खोल के रखते हैं ऑफिस और वर्किंग डेज जो टाइम है उनका वो भी मैं आपको सब कुछ इसके अंदर बता दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वाली जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को बटन को प्रेस करना